शिवाय दोस्तों धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 23 सितंबर 2020 के दिन राहु केतु के महापरिवर्तन का धनु राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 23 सितंबर 2020 के दिन राहु और केतु जो निरंतर वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलते हैं और यह दोनों ग्रह छाया ग्रह कहलाते हैं, यह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं और यह परिवर्तन बहुत ही खास रहने वाला है। खास इसलिए है क्योंकि शनिदेव किसी राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, फिर राहु और केतु किसी राशि में 18 महीने तक रहते हैं यानी 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा, फिर देवगुरु बृहस्पति। तो शनिदेव के पश्चात राहु और केतु का गोचर बहुत ही खास होता है। तो देखिए 23 सितंबर 2020 के दिन राहु महाराज मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि में राहु उच्च अवस्था में होते हैं। यहाँ पर राहु 11 अप्रैल 2022 तक मौजूद रहने वाले हैं। इस समयावधि में राहु महाराज 3 अलग अलग नक्षत्रों से होकर गुजरने वाले हैं। सबसे पहले 23 सितंबर 2020 से लेकर जनवरी तक मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं, फिर जनवरी से लेकर सितंबर 2021 तक चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, फिर सितंबर 2020 से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में विचरण करने वाले हैं। तो अलग अलग नक्षत्रों के बदलने पर परिणाम बदलते हुए प्राप्त होंगे। वहीं केतु 23 सितंबर के ही दिन धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वृश्चिक राशि में केतु महाराज भी उच्च अवस्था में रहेंगे। तो अगर हम आपको ज्योतिष में राहु और केतु के बारे में संक्षेप में जानकारी दें तो देखिए राहु किसी कार्य को आकस्मिक कराने की क्षमता राहु के पास होती है। राहु देव छाया ग्रह कहलाते हैं और समुद्र मंथन में आपने देखा होगा कि जब राक्षसों को लगा कि मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु राक्षसों को अमृत नहीं पिलाएंगे तो वहाँ पर स्वरभानु नाम का राक्षस जो राहु और केतु बनता है उसका तुरंत आकस्मिक डिसीजन होता है और मायावी रूप धारण करके देवता का रूप धारण करता है और देवताओं की कतार में बैठता है। अमृत की बूंद उसके कंठ तक पहुंचती है, तत्पश्चात देव भगवान विष्णु के द्वारा उसके कंठ को अलग कर दिया जाता है सुदर्शन चक्र द्वारा। तो जो कंठ के ऊपरी हिस्सा होता है वह राहु कहलाता है और जो कंठ के नीचे का हिस्सा होता है यह केतु कहलाता है। ऐसी पौराणिक कथा है, यह आपको पता भी होगा। तो देखिए कुंडली पर यदि राहु मजबूत अवस्था में होते हैं तो किसी व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। किसी कार्य को आकस्मिक कराने की क्षमता राहु के पास होती है। राहु इंसान को भौतिकवादी साहसी बनाते हैं। वैज्ञानिक कार्य, शोध कार्य, देश विदेश से व्यापार करना, ये सारी चीज़ें राहु के प्रभाव से होती है। अचानक बड़ा धन लाभ हो जाना या अचानक बड़ा सम्मान प्राप्त हो जाना यह राहु के प्रभाव से उत्पन्न होता है। हालांकि ज्योतिष में राहु को कठोर वाणी, जुआ सट्टा, साथ में त्वचा रोग और धार्मिक कार्यों से संबंधित का भी कारक ग्रह माना गया है। दिन में एक समय ऐसा आता है जहां पर राहु काल होता है प्रत्येक दिन, उस समय में किसी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। वहीं राहु के पीड़ित प्रभाव से आसुरी प्रवृत्ति जातक के मन में उत्पन्न हो जाती है। जहां राहु के शुभ प्रभाव से जातक की प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धर्म का पालन जातक करता है, वही राहु के पीड़ित प्रभाव से जातक क्रूर हो जाता है, वाणी में क्रूरता होती है, दुष्ट कर्म करने के लिए जाना जाता है, माताओं बहनों के जो सम्मान करता है उसकी प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है, हिंसक जातक हो जाता है। और राहु के पीड़ित प्रभाव से जो जातक है शराब सट्टा धूम्रपान इन विषयों में भी संलग्न होता है, और यदि जातक झूठ भी बोलेगा तो वह डंके की चोट पर जातक झूठ बोलता है। तो आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के ऊपर यह गोचर कैसा प्रभाव देकर जाएगा। तो धनु राशि वाले जातकों आपके सिक्स हाउस में राहु प्रभावी रहने वाले हैं और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। आपके राशि में द्वितीय भाव में दृष्टियां जाएंगी 12th हाउस में और 10th हाउस में। आपके धन भाव में दृष्टि रहेगी, खर्च भाव में और कर्म भाव में। ऑल ओवर अगर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर कहा जाए तो बहुत ही शुभ और अनुकूल परिणाम आपके जीवन में यह गोचर लेकर आएगा। 23 सितंबर के पश्चात धनु राशि वाले जातकों का जो मनोबल और जो आपका उत्साह का स्तर है काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। राहु के इस शुभ प्रभाव के कारण विदेशों से धन लाभ की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी, व्यापार में बढ़ोतरी की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आएगी। वहीं जीवन में यदि आपने पुराने समय से कोई विचार बना के रखा हुआ था तो उसको आप क्रियान्वित करके श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। हालांकि वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातक बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त हैं, लेकिन राहु केतु के परिवर्तन के पश्चात आपके अनुभव में वृद्धि होगी
और उत्साह में भी वृद्धि होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा या आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने के लिए समर्थ होगा। वही धनुराशि वाले जातकों की यदि पुराने समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था तो इससे मिलने जा रही है आपको मुक्ति। वही विवाह से संबंधित आपको जीवन में प्रस्ताव देखने के लिए मिल सकते हैं, साथ में रोगों पर विजय आपको प्राप्त होगी। यदि पुराने समय से यदि कोई रोग आपके जीवन में चल रहा था, आपके शारीरिक रूप से रोग निरंतर व्याप्त थे, तो उससे आपको मुक्ति मिलने की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आएगी। इस समय अवधि में जो अवधि रहने वाली है राहु केतु के गोचर की, वो काफी लंबी अवधि है 11 अप्रैल 2022 तक, तो आपके रुके हुए कई कार्य पूरे होने की संभावना बनेगी। वही विरोधियों पर आप काफी हावी होकर चलते हुए नजर आएंगे। आपका सकारात्मक रवैया आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। साथ में इस समय अवधि में यदि कानूनी विवादों में यदि आपकी स्थिति कुशल रही थी तो उसमें विजय की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी। शत्रुओं पर भी विजय होगी और कानूनी मामलों में भी विजय की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई नजर आएगी। आमदनी के सोर्स में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वहीं इस समय अवधि में धनु राशि वाले जातकों का फिजूल में खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। राहु केतु के इस प्रभाव के कारण आपको अपने मान सम्मान का भी विशेष रूप से ध्यान रखकर जरूर जीवन में चलना चाहिए और ऐसे कार्यों में बिल्कुल भी संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी कम अनुभव हो और उस कार्य में आप इन्वॉल्व ना हो। जहाँ पर आपको अनुभव नहीं है ऐसे कार्यों में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जानते हैं राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए कुछ शुभ उपायों की जो आप कर सकते हैं। और कुंडली पर यदि आपके पीड़ित अवस्था में राहु होंगे तो राहु देव के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में जरूर दिखाई दे रहे होंगे, जैसा अभी हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया। तो इन उपायों को यदि आप करते हैं तो जीवन में काफ़ी अनुकूलता देखने के लिए मिलेगी और आपके सफलता प्राप्ति में बाधाएं दूर होंगी। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन करना काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय अवधि में राहु देव से जुड़े हुए अगर हम कुछ अन्य उपायों की बात करें तो एक हम आपको खास उपाय बताने जा रहे हैं। शनिवार के दिन एक नारियल लेना है, नारियल में जटा होनी चाहिए और राहु काल जब दिन में चल रहा हो तो इस समय अवधि में अपने शरीर से 11 बार उतारने के पश्चात उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और प्रवाहित करने के पश्चात आप मुड़कर दोबारा पीछे ना देखें। पक्षियों को आप पक्षियों को दाना आप खिला सकते हैं। बुधवार के दिन आप साबुत उरद का दान आप कर सकते हैं, यह आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। वहीं शिवलिंग को यदि आप जल अर्पित करते हैं तो राहु देव के अनिष्ट प्रभाव आपके ऊपर शांत होते हुए नजर आएंगे। तो यह रहा धनु राशि वाले जातकों के ऊपर राहु केतु गोचर का प्रभाव। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।